मोहित जो है वो टिकट लाने गया और मैं बाहर खड़ा हूँ, तो वो टिकट लेके आएगा तो मैं चलूँगा अंदर और आपको दिखाऊँगा हवा महल के अंदर का क्या कैसा क्या सीन है। चलते हैं और आपको लेके चलते हैं हवा महल के अंदर की ओर। अभी चल रहे हैं हम लोग अंदर गेट महल की तरफ, अंदर की तरफ ये सीढ़ियाँ को चढ़ के आना है। राजस्थान का पिंक सिटी जयपुर और जयपुर के बीचों बीच बना हवा महल जो अपनी सुंदरता और अनोखी डिजाइन की वजह से सबको आकर्षित करता है। क्या आप जानते हैं कि इस हवा महल में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है? राधा और कृष्ण को समर्पित हवा महल को लालचंद ने डिजाइन किया था, लेकिन क्या इस बारे में आप जानते हैं कि इस इमारत में ऐसा क्या है जो एक रिसर्च का विषय बना हुआ है जिसके बारे में आज तक कोई भी ठीक से नहीं बता पाया है? एंड क्या खास है इस महल में? नाम में है मतलब। हवा महल का मतलब है कि हवाओं की एक जगह, यानी कि एक ऐसी अनोखी जगह है जो पूरी तरह से ठंडी रहती है। हवा महल को साल 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और बाहर से देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है। इस हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं जिसमें ठंडी और ताजी हवा आती रहती है। हवा महल जो अपनी खूबसूरती और खासियत के कारण दुनिया में मशहूर है। खास है हवा महल की डिजाइन। महाराजा सवाई प्रताप सिंह इस हवा महल को बनवाने का उनका मन हुआ तो उन्होंने वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद को बुलाया। उन्होंने इसकी डिजाइन हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण के राजमुकुट जैसी बनी थी, ऐसा बाहर से देखने में लगता है। ऊपर की मंजिल के लिए कोई सीढ़ी नहीं। 5 मंजिला हवा महल को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें ऊपर की मंजिल में जाने के लिए एक भी सीढ़ियां नहीं बनी हुई हैं। अगर आपको सबसे ऊपर की मंजिल में जाना है तो सिर्फ रैंप बने हुए हैं। क्यों बना हवा महल? दरअसल इस महल को इसलिए बनाया गया कि राजपूत की रानियां और राजकुमारियां इन झरोखे में बैठकर विशेष मौकों पर निकलने वाले जुलूस और शहर आदि को देख सके। राजपूत के समय में ये नहीं था कि उनके महल की कोई स्त्री घर से बाहर निकले, जिसके कारण ये बनवाया गया। बिना नींव की इमारत। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये इमारत बिना किसी नींव की बनी हुई है जो अपने आप पर एक अजूबा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिना नींव की इमारत मानी जाती है। 5 मंजिला होने की वजह से ये 87 डिग्री कोण में बनी हुई है जो एक आश्चर्य है। हवा महल सबसे ज्यादा अपनी संस्कृति और डिजाइन की वजह से फेमस है। राजपूत और मुगल कला का बेजोड़ नमूना है। मधुमक्खी के छत्ते की डिजाइन। इस महल में 953 खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। कितनी भी भीषण गर्मी पड़ने पर भी ठंडा रहता है। इसकी डिजाइन इस तरह बनाई गई है जैसे कि मधुमक्खी का कोई छत्ता बना हो। तो आप भी वक्त निकालिए और एक बार जरूर इस नायाब डिजाइन वाले हवा महल को देख कर आइए।